ladies and gentlemen, a very very good morning to all of you. This is me, anchor Shamshi Tanu. आज हमारे साथ मौजूद हैं सिशांत जी एंड सतीश जी. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एंकर न्यूज में. आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन ह्यूमन लाइफ. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़ती जा रही है. तो आप ये बताइए हमें, आपसे मेरा सवाल है, आप ये बताइए कि ये जितनी डिजिटल टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ी है वो किस तरह से हमारे डेली लाइफ में, मतलब हमारे यूज में बहुत ही फायदा किया है. सबसे पहले तो मैं इस आज का न्यूज के जितने भी स्टूडेंट हैं उसको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस आज के न्यूज में आप लोगों ने मुझे बुलाया, अपनी बात को रखने का मौका मिला. इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. सबसे पहले मैं इंटरनेट पर ये बात करना चाहता हूँ कि इंटरनेट आजकल हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है. ये इंटरनेट आजकल बहुत ही लोकप्रिय और विश्वसनीय नेटवर्क हो चुका है. इंटरनेट एक कह तो नेटवर्कों का भी नेटवर्क है और इंटरनेट आजकल हमारे दैनिक जीवन में इस तरह से अहम रोल प्ले कर रहा है कि हमारे हर क्षेत्र में, चाहे परिवहन हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे संचार के क्षेत्र में हो, या हर क्षेत्र में कहें तो इंटरनेट काफ़ी बढ़ चढ़ कर हमें सपोर्ट भी किया है और उस क्षेत्र में हमने भी अपना योगदान दिया है. इंटरनेट के क्षेत्र में सबसे बड़ा अहम इंटरनेट जो रोल प्ले किया वो शिक्षा के क्षेत्र में प्ले किया है कि क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए इंटरनेट किया है कि जो हमें पढ़ाई दिल्ली या कहीं बड़े बड़े शहर में जाकर बोलना पड़ता है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है. ये इंटरनेट आजकल बहुत ही लोकप्रिय और विश्वसनीय नेटवर्क और इंटरनेट आजकल हमारे दैनिक जीवन में इस तरह से अहम रोल प्ले कर रहा है कि हमारे हर क्षेत्र में, चाहे परिवहन हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे संचार के क्षेत्र में हो, या हर क्षेत्र में कहें तो इंटरनेट काफ़ी बढ़ चढ़ कर हमें सपोर्ट भी किया है और उस क्षेत्र में हमने भी अपना योगदान दिया है. इंटरनेट के क्षेत्र में सबसे बड़ा अहम इंटरनेट जो रोल प्ले किया वो शिक्षा के क्षेत्र में प्ले किया कि क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए इंटरनेट किया है कि जो हमें पढ़ाई दिल्ली या कहीं बड़े बड़े शहर में जाकर बोलना पड़ता था. तो इंटरनेट वही, मतलब हर क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और आने वाले समय में इंटरनेट काफ़ी अग्रेसिव रहेगा. आगे तक जाएंगे हमारे डिजिटल लाइफ में इंटरनेट हम लोग दुनिया की जो भी है हर तरह से, जैसे आजकल मिलना जुलना कम हो गया है. वो इंटरनेट हमें किस तरह से फायदा दे रहा है? कम्युनिकेशन वे में हमें इंटरनेट बहुत ही फ़ायदा दे रहा है क्योंकि आजकल हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने में काफ़ी से चंद सेकंड में ही हम अपनी बातों को कहीं भी भेज सकते हैं, वो हमारी बात को सुन सकता है. या फिर कहें तो अगर हमारे मित्र या कोई भी कहीं भी है, विदेश में भी है, तो उससे हम वीडियो कॉल पे या चैट के द्वारा या किसी भी थ्रू, आजकल जितने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा हम अपनी बातों को रख सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं. देखा जाए तो ये बहुत ही गलत है क्योंकि कितने बच्चे लोग हैं ना कि अपने रूम से ही नहीं निकलते, उनकी माँ लोग उन्हीं के रूम में ही खाना लेके चले जाते हैं. उन लोग इतना एडिक्ट हो गया है वहाँ कि सिर्फ गेम पे उन लोगों का नज़र रहता है, ना खेल कूद बाहर आउटडोर गेम्स उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ वही पबजी फ्री फायर वगैरह सारा अपना बचपना उसी में बिता दे रहे हैं. पहले का क्या था ना कि सब लोग आते थे, बैठते थे, खेलते थे, अच्छा लगता था. अभी का वैसा कुछ भी नहीं. वो इनके बात से तो सहमत है. एडिक्शन ठीक है, मोबाइल का भी होता है, इंटरनेट का भी होता है, लेकिन एडिक्शन और चीज़ का भी होता है, जैसे पढ़ाई का भी नशा होता है. तो आजकल लोग जिस तरह से इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उस तरह से तो पढ़ाई के जो हमारा जरिया बन चुका है, इंटरनेट से हमारा सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, तो लोग पढ़ाई भी तो कर रहे हैं ना. ऐसा तो नहीं सिर्फ इंटरनेट से पबजी या जो भी हो, तो उस बंदे को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं या किधर जाना चाहते हैं. अगर गलत में जाना चाहता है तो उसके लिए तो सही, इंटरनेट का
गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उस चीज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हम तो बस यही अपनी जनरेशन को कहना चाहेंगे कि आप बस अपने हेल्थ वगैरह पे ध्यान रखें, आगे अपने माँ बाप के साथ बैठिए, हम बस यही कहना चाहेंगे। कम्युनिकेशन वे में हमें इंटरनेट बहुत ही फायदा दे रहा है, क्योंकि आजकल हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने में काफी चंद सेकंड में ही हम अपनी बातों को कहीं भी भेज सकते हैं, वो हमारी बात को सुन सकता है, या फिर कहे तो अगर हमारे मित्र या कोई भी कहीं भी है, विदेश में भी है, तो उससे हम वीडियो कॉल पे या चैट के द्वारा या किसी भी थ्रू, आजकल जितने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा हम अपनी बातों को रख सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। आपकी बात से तो हम सहमत हैं सतीश जी, लेकिन जो पहले के टाइम में था, हम लोग साथ में एक जगह पे पांच लोग दोस्त लोग जुड़ जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, अब के टाइम में वैसा नहीं हो रहा, सब मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, नेट में ही बिजी रहते हैं, मैसेज करने में बिजी रहते हैं। अभी के टाइम में बच्चे को भी अगर दूध भी पिलाना रहेगा ना तो उसको कार्टून दिखा दो मोबाइल में, तो वो देखते रहेगा और दूध पीते रहेगा। अब के टाइम में बच्चे भी पहले जैसे हमारे जैसे नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से हम जिस तरह से हमारा जो वर्ल्ड है या जो भी हमारा टेक्नोलॉजी आजकल यूज हो रहा है, जो डेवलप कर रहे हैं, उस हिसाब से तो हमें पीछे को जो भी पीछे का हमारा वो है उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, अगर आगे बढ़ना है तो हमें पीछे को छोड़ना ही पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। तो डेवलप करने की बात अलग है, लेकिन एक इंसान की जो हेल्थ रहती है ना उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इंसान को। ठीक है, मानते हैं इंटरनेट सही चीज है, वो है भी सही चीज, इंटरनेट सही चीज है, लेकिन आजकल के बच्चे लोग या फिर और भी कितने लोग हैं जो उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह पे, साइबर कितना जगह गलत इस्तेमाल उनका हुआ जाता है, डेटा चोरी हो जाता है। ठीक है, वो चीज तो मैं मानता हूँ, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी। तो अगर नेगेटिविटी को आप लेकर चलिएगा तो पॉजिटिविटी छोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये सोचना है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना। आजकल के लोग भी गांव में जो लोग हैं और एक शहर में लोग हैं, तो उसमें और शहर के गांव में बहुत जो डिफरेंस होता है कि जो शहर के लोग हैं वो आजकल भी इंटरनेट से बहुत कम जुड़े हुए हैं और शहर के लोग काफी आगे तक चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंटरनेट का जो अहम रोल प्ले करता है वो शहर के लोग बहुत ही फायदे में है और गाँव के लोग आज भी बहुत पीछे हैं। तो अब तो सरकार भी उस चीज पे अपना शहर शहर गांव-गांव तक अपना जो भी इंटरनेट के बारे में है जागरूकता जनरल अवेयरनेस फैल जाकर कि सरकार का बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है कि आगे बढ़ो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारी ऐसे योजना। यही कहना है सतीश जी कि वाईफाई जो नेट रहता है लोगों के लिए जो नेट दिया जाए उसका सही इस्तेमाल किया जाए। अभी के टाइम में क्या है ना कि अगर गाँव में भी है ना तो गाँव में भी आप जाइए ना तो आप फ्री फायर पबजी सब बैठ के खेलेंगे, ये नहीं होता कोई गिल्ली डंडा खेलेंगे कोई क्रिकेट बॉल खेलेंगे, सारे लोग पबजी मोबाइल में लगे हुए रहते हैं। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, जहाँ तक देखा जाए दोनों ही एक तरह से सही हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे जो है वो एक दूसरे से सहमत नहीं है। तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन हम अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि इंटरनेट जो है वो हमारे डेली यूज में और किस तरह से हमें फायदा दिया है। जैसे आपसे सवाल है सतीश जी, डेली यूज में तो इंटरनेट हो ही रहा है और हर डेली यूज में जैसे हम लोग हर चीज को अपनी बातों को या फिर कहे तो हर क्षेत्र में, जैसे मीडिया के क्षेत्र में हो या टूरिज्म या पर्यटन के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या बिजनेस के क्षेत्र में हो या ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह या कहे तो किसी भी फील्ड में इंटरनेट काफ़ी योगदान दे रही है। जैसे आज हमें टूरिज्म या पर्यटन क्षेत्र में देखे जाए तो हमें ऑनलाइन टिकट भी घर से काट लेना पड़ता है या फिर कहीं का जो ट्रेन है या कहीं भी कोई भी हो तो हमें मोबाइल से ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है, या फिर कहे तो क्या बोलते हैं उसे थ्रू अपना मैप खोज ले जा रहे हैं, पहले वाला हम लोग है नहीं कि या फिर किसी से पूछना पड़ेगा। सतीश जी, लेकिन जो पहले के टाइम में था, हम लोग साथ में एक जगह पे पांच लोग दोस्त लोग जुड़ जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, अब के टाइम में वैसा नहीं हो रहा, सब मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, नेट में ही बिजी रहते हैं, मैसेज करने में बिजी रहते हैं। अभी के टाइम में बच्चे को भी अगर दूध भी पिलाना रहेगा ना तो उसको कार्टून दिखा दो मोबाइल में, वो देखते रहेगा और दूध पीते रहेगा। अब के टाइम में बच्चे भी पहले जैसे हमारे जैसे नहीं रहे।